क्रिया बाबा जी नमः। ओम सिद्ध क्रिया बाबा जी नमः। आजकल समाज में बहुत सारे ऐसे सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरु है, तो फिर उसमें से मतलब सच्चा गुरु हम कैसे पहचाने, उसका कुछ मतलब क्राइटेरिया? हाँ, हम मतलब क्राइटेरिया नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा कुछ है क्या कि ये सच्चे गुरु है, उनकी ये पहचान हो सकती है? हाँ, ऐसे कुछ मतलब अगर हो तो बताओ। हाँ, ये बहुत अच्छा विचार है। गुरु क्या है, सही गुरु कौन है, गुरु कैसे बनेगा, ऐसा इसमें आजकल थोड़ा सा ये चल रहे, डाउट आ रहे बहुत लोग, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग भी चल रहे और रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग भी चल रहे। तो बाद में कुछ लोग गुरु चाहिए बहुत लोगों को, लेकिन पहचानने में तकलीफ होता है, ये हो रहे डिफिकल्टी, कंफ्यूजन आ रहे लोगों को। यहाँ एक ही बात है, गुरु का मतलब अज्ञान अंधकार को निकालने वाला, अज्ञान अंधकार को निकालने वालों को गुरु, और सच्चाई को समझाने वाला अज्ञान निकालना गुरु का स्थिति है। ये सब स्थितियां, इट्स नॉट इंडिविजुअल पर्सनालिटी, गुरु इज नॉट पर्सन। सच्चाई को विश्व सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, सेल्फ ट्रूथ, आत्म सच्य, हर एक को एक एक आत्म सच्य रहता है, वो सच्चाई असली अल्टीमेट ट्रूथ, ये समझाने वाला है सद्गुरु होता है। सद्गुरु पूरा जगत के बारे में, सृष्टि के बारे में, पूरा सृष्टि को, सृष्टि का पीछे क्या है, भगवान का मतलब क्या है, परमात्मा का मतलब क्या है, ये समझाने वाला जगतगुरु होता है। सद्गुरुओं में और एक रहता है स्थिति, एक सच्चाई समझाने में एक समर्थता रहता है, पोटेंशियलिटी, एक उनको हम समर्थ सद्गुरु बोलते हैं। सद्गुरुओं का सद्गुरु समर्थ सद्गुरु, समर्थ सद्गुरुओं में ऊंचा स्थिति जगतगुरु, ऐसा होता है। यहाँ गुरु के बारे में तुम पूछा, बहुत अच्छा है, कैसे पहचानना कौन सही गुरु है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ एक ही और एक क्वेश्चन, रिवर्स क्वेश्चन हम लिए तो विचार, सही शिष्य कौन है? शिष्य के बारे में भी सोचना पड़ता है, गुरु को पहचानना बोले तो शिष्य बराबर रहना, शिष्य का स्थिति बराबर रहे तो गुरु पहचानने में आता है ना। शिष्य का स्टेटस सही नहीं है, ये कंफ्यूजन में है, ये थोड़ा सा स्वार्थ में है, मोह में है, लालच में है, तो कैसे पहचान सकता है? गुरु है तो भी सामने है तो भी, इसलिए बहुत शिष्य बनने के बाद भी धोखा खा रहे, हमको वो गुरु चीट किया, ये गुरु चीट किया, वो गुरु गलत है, ये लोग बोलते, तुम क्या कैसे है? फिर पहले तुम्हारे बारे में तुमको मालूम है, आर यू परफेक्टली राइट डिसिपल, ये सोचना चाहिए। इसलिए सही गुरु को, सच्चिष्य को सदगुरु मिलेगा, सच्चिष्य को सदगुरु मिलेगा, सही भगत को भगवान मिलेगा। भक्ति तुम्हारे अंदर परफेक्ट भक्ति है, सरेंडरेंस है, समर्पण भाव है, भगवान सामने रहेगा, साथ में रहा है, नहीं पहचान सक रहे क्योंकि भक्ति नहीं है तो नहीं पहचान सकते। शिष्य का स्टेटस में बराबर क्वालिफाइड नहीं है तो
उसे गुरु भी नहीं पहचानने में नहीं आता है। इसलिए पहले हम एक चीज को हम पहचानने के लिए कोशिश किए तो मेरा स्टेटस क्या है, मुझे सही अच्छा टीवी चाहिए, बेस्ट टीवी आई वांट टू परचेज, ओके गुड। लेकिन तुम्हारे अंदर टीवी का नॉलेज रहना चाहिए, कौन सा टीवी ले लूं, किस तरह का फोर स्पीकर ले लूं, मल्टी ये ले लूं, 200 चैनल रहना चाहिए, ऐसा तुम्हारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन बराबर कुछ है तो तुम जाके पहचान सकते। वो फोर स्पीकर वाला देखे तो हाँ यही मुझे चाहिए, मैं मुझे फोर स्पीकर ही चाहिए, उन्होंने दिखाए तो तुम पहचान सकते। तुमको वो आइडिया नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, वो फोर स्पीकर का दिखाया क्या, कितने स्पीकर है बोलता है, पूछना पड़ता है, चार स्पीकर क्यों बोलता है, तुमको चाहत बराबर इन्फॉर्मेशन है तो उसको टैली करते वहां जाके, मुझे फोर स्पीकर पक्का चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ये कलर चाहिए, इतना हाइट चाहिए, इतना ये चाहिए, ये सब तुम जाके वहां शोरूम में जाके तुम्हारा पहले चाहत दिए तो उन्हें उसके अनुसार देगा। अगर नहीं मिले तो नहीं ये है हमारे पास, ये भी आपको यूजफुल हो जाता है, थोड़ा देख लीजिए, एक ट्रायल मारो, ऐसा बोलता है, थिंक कैसे है? तब इनको अंदर का इच्छा, अंदर का जरूरत कुछ है ना, बना के रखा है तो इमीडिएटली पहचान, हाँ करेक्ट करेक्ट, यही है, मैं सोच रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारा अंदर का वो नहीं मिला, नहीं ये नहीं, मैं वही चाहिए मुझे उस तरह का, बोल के दूसरा शोरूम जाके वहां ढूंढो। आजकल तो ऑनलाइन में मिल रहे दिख रहे, लेकिन ऑनलाइन में गारंटी क्या है, वहां कुछ तो रखता है वो लोग, तुम जाके फिजिकली देखना चाहिए ना, हाउ यू कैन ब्लाइंडली। इसलिए सेम वे गुरु का जरूरत, गुरु का सहारा क्या है, मुझे किस तरह का गुरु चाहिए, मुझे मेरा स्टेटस क्या है, मुझे किस तरह का गुरु चाहिए, मतलब गुरु की एक प्रतिमा शिष्य के मन में रहनी चाहिए, रहना चाहिए बराबर पक्का। भगवान को वो कितना रूप है, नाम है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक एक भाव है तो भाव के अनुसार एक रूप पकड़ सकते, शुरू में रूप के द्वारा, रूप और नाम पकड़ के शरणागति करते, भक्ति बढ़ाते बढ़ाते रूप के द्वारा, बाद में तत्व में विशाल होके तत्व में आ जाओ, वो सही निर्गुण तक जा सकते, सगुण के द्वारा निर्गुण तक। ऐसा भी गुरु का मतलब, सदगुरु का मतलब सगुण रूप, तुम सगुण गुरु को भी ऐसा, सगुण गुरु को, गुरु का जरूरत कंपल्सरी मस्ट है। तुम जब तक तुम शरीर में रहे तो तुमको समझाने वाला, शरीर धारण वाला जरूर पकड़ना चाहिए। तो सही गुरु कौन होता है, तुम बराबर शिष्य हो तो पहचान सकते, और कैसे पहचानना, कुछ तुम्हारे शिष्य का कुछ क्राइटेरिया है, कुछ क्वालिफिकेशन है, सेम वे गुरु का भी कुछ क्वालिफिकेशन रहता है, गुरु सदगुरु का सभी को एक स्थिति रहता है। क्वालिफिकेशन का मतलब ये वर्ल्डली सर्टिफिकेशन नहीं है, स्थिति रहता है, साधना के द्वारा एक स्थिति बनता है। वर्ल्डली लेवल में पोजीशंस को, कोई अधिकारियों को हम एक क्वालिफिकेशन, आजकल तुम डॉक्टर है नहीं बोलते, कागज देखा है तो हो जाता है, मैं MBBS पढ़ा हूं, मेरा सर्टिफिकेट ये है, बोले तो वो उनके पास कैपेसिटी हाई या नहीं, वो ऑपरेशन कर सकता है नहीं कर सकता है, कागज देखा है तो चुप बैठना पड़ रहा है। आजकल ऐसा हो गया ड्रामा, फॉल्स सर्टिफिकेट भी दिखा के कुछ लोग, मैं भी 10% 5%, कुछ लोग ऐसा भी ड्रामा करके चीट कर रहे लोगों को विदाउट स्टडिंग। कुछ पुराना दिनों में देखे तो, पुराना दिनों में डॉक्टर्स वो लोग कुछ भी नहीं पढ़ता था, कुछ बुजुर्ग लोगों से कुछ सीखता था, आयुर्वेद ऐसे जड़ी बूटियों से, आज भी हिमालय में दिखता है, एक एक साधु के पास उतना नॉलेज रहता है, एक एक पत्ता कैसे यूज होता है, ब्रह्मी ये अलग अलग जड़ी बूटियों को पहचान सकते हैं, उन्होंने ये जड़ी बूटी आपको दिए तो जरूर कुछ ना कुछ या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बट ही इज नॉट क्वालिफाइड डॉक्टर, ही इज नॉट क्वालिफाइड, ये आदमी नहीं है मेडिकली, बट यहां कुछ लोगों को सिद्धत्व रहता है, डॉक्टरों को में भी ऐसा है, ऐसे इसलिए जंगलों में ऐसा पहाड़ों में हम बिलीव करना, ट्रस्ट रखना पड़ता है, क्योंकि
भगवान का मैनिफेस्टेशन यहाँ चलता है, इसलिए विश्वास हम रखते ब्लाइंडली जा सकते, लेकिन दुनिया में कर्म भूमि में अलग हो गया। कर्म भूमि में एवरीथिंग इज रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहां प्रूव करना पड़ता है, नहीं तो वहां एक लॉ चल रहे, लॉ चल रहे वहां, इसलिए वहां अच्छा गुरु मिले तो भी कागज पूछना पड़ता है, वहां दिखाना पड़ता है। अच्छा गुरु सिद्ध तो महात्मा वहां गए तो दिखाना पड़ता है, आप कैसे हैं, आप कैसे हो, आप हिमालय में तो कहां रहते, आधार कार्ड दिखाइए, कुछ तो दिखाइए, आजकल ऐसा हो गया तो क्या कर सकते, सिद्ध तो है तो भी चुप बैठना पड़ रहे। वो दस लोगों को अच्छा किया, एक लोगों को थोड़ा बुराई हुआ, इन्होंने नहीं किया, इनको जेल में बैठाता है, क्योंकि इन्हों क्वालिफाइड नहीं है, वो लोगों को कागज चाहिए, आजकल ऐसा हो गया। इसलिए बहुत लोग सदगुरु आए तो भी चुप बैठ रहे, कुछ बोलने के लिए तो भी, लेकिन ऐसा इसलिए कुछ फाल्स गुरु भी ज्यादा आ रहे, उसके वजह से ये सिस्टम का जरूरत है, करना पड़ रहा है। इसलिए सही तरीका में सोचे तो गुरु का मतलब अनुभव ज्ञानी, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकलिटी। गुरु को पहचानने में बोल रहा हूं, उनका स्थिति में कुछ चीजें प्रैक्टिकलिटी रहता है, सिंपलिसिटी रहता है, प्रेम रहता है। प्रेम का मतलब ऐसा नहीं तुमको ऑल दी टाइम कभी भी तुमको ऐसे प्रेम से अच्छा है बेटा बेटा बोले, अगर तुम गलती किए तो मारता भी, सदगुरु मारने का भी गुस्सा नहीं, तुमको करेक्ट करने के लिए, दैट इज प्रेम, दैट इज ऑल्सो लव। हाँ समझते हैं लोग, सदगुरुओं का स्थिति ऐसा रहता है, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा इंटरनल डेवलपमेंट, इनर डेवलपमेंट, तुमको एनलाइटनमेंट देना चाहिए, तुम खुद को समझने का ताकत देना तुमको, उसमें उन्हों स्ट्रिक्ट रहता है। इवन दो इज एक बालोन्मत्त पिशाची बोलते, बालोन्मत्त बाल और उन्मत्त और पिशाची जैसा रहता है, यहाँ सदगुरुओं का स्थिति ऐसा रहता है, बच्चे का जैसे कभी कभी बोलता है जैसे एक पेन कैसे खोलना, तो पेन को वो भी नहीं मालूम है, कहते तो आपको 50 साल हो गया, 60 साल हो गया बाबा जी सदगुरु, ऐसे समझो आप सदगुरु है तो पेन कैसे करना नहीं मालूम बेटा बोलता है ये बच्चे। कभी कभी वो लोग निकाल, उनको ज्ञान ये वर्ल्डिक ज्ञान नहीं रहता, वर्ल्डिक ज्ञान टेक्निकलिटी ये सब वो लोग निकाल देते, साफ करके बैठते, अचानक बाल बच्चे बन जाते हैं, अचानक उन्मत्त बन जाता है, अचानक एक एनलाइटनमेंट पर्सन बन जाता है, वो लेवल सही से स्थिति अलग अलग हो जाता है। वो कैसे क्यों होता कब होता है बोले तो ये ऑपोजिट पर्सन जो उनके पास आता है, व्यक्ति शिष्य कोई भी हो, उनके अनुसार अपना स्थिति नीचे ये करके नीचे उतर के उनके लेवल में आके बात करना शुरू करता है, दैट इज सदगुरुओं का स्थिति होता है। ऐसा स्थिति वो लोग अलग अलग होते, इसलिए पहचानना मुश्किल है, यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज, दे आर नॉट अंडर योर नॉलेज, दे कैन नॉट, इसलिए तुम नॉलेज निकाल के भक्ति भाव श्रद्धा विश्वास ये सब तुम डेवलप करके अंदर से जाके उनके पास चरण में बैठ के पहले ऑब्जर्व करो, उनको ऑब्जर्व करो, डोंट फिक्स, तुम्हारा दिमाग में फिक्सेशन निकालो, डोंट फिक्स गुरु सदगुरु, यू कैन फिक्स गुरुस, ये नॉलेज है तो गुरु बोल सकते, ये ऐसा सिखाने वाला गुरु तक हम फिक्स कर सकते थोड़ा, लेकिन सदगुरुओं को यू कैन नॉट फिक्स, जगत गुरु को और सदगुरुओं के अंदर ऐसा कैपेसिटी रहता है, वो पूर्णत्व रहता है, पूर्ण सच्चाई पूरा धारण करके बैठते, इसलिए वो सच्चाई को हम समझने के लिए पहले हम सच बनना चाहिए, हमारे अंदर प्यूरिटी आना चाहिए, श्रद्धा आना चाहिए, तब वो गुरु प्रत्यक्ष होता है, तब तुम पहचान सकते, उनका बातों में उनका आंखों से एक एक लाइट आता है, उनका बातों में कुछ सुगंध आता है। हाँ ये सब लक्षण है, मैं बहुत ढूंढ के बहुत रिसर्च किया हूं गुरुओं के बारे में, सदगुरुओं के बारे में, इसे मुझे सही गुरु मिला। साईनाथ महाराज अभी नहीं है, लेकिन मैं साईनाथ महाराज में भगवान को नहीं देखा, मैं समर्थ सदगुरु को देखा,
मुझे ऐसा समझाने वाला मुझे अच्छा महात्मा मिला है। बहुत महात्मा लोग से जाके मैं अवधूत उनके पास जहां जाके जंगल में ये अवधूत है एक वैरागी है वो लोगों के पास बैठता था उनके पास रख के समझते उन लोगों को बातों में सदगुरु कौन होता है कैसा रहता है पहचानने का कैपेसिटी वो लोग मुझे पहले दिया। तब मैं ढूंढते रहा साई बाबा में पूरा मैं भगवान नहीं माला समर्थ सदगुरु बनो मेरे लिए गुरु बनो सदगुरु बनो मुझे ज्ञान दे दो मैं अज्ञान में हूं अंधकार में हूं काम क्रोध लोभ मोह ये सभी अरिषड वर्ग मुझे दबा रहे मुझे आई एम नॉट एबल टू बेयर दीज इंद्रियों का उसमें मैं फंस गया हूं। ऐसा प्रार्थना करते 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 एक एक महात्मा के पास एक एक ये गोपाल बाबा जी देखो ऐसा ऐसा वेंकट स्वामी का स्थान गया मैं नेल्लूर ऐसा एक एक अवधूतों को बहुत अवधूतों को मोर देन 100-150 आई गॉट फोटोज ऑल्सो मेनी फोटोज ये सब मेरा खोज पहले खोज करना पहचान के लिए पहले नॉलेज रहे तो पहचान सकते यू मस्ट हैव नॉलेज प्रॉपर नॉलेज कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रियलाइज। ये मेरा जीवन में बहुत घूमने में घूमते घूमते एक एक अवधूत को एक एक महात्मा को ये कैसा है ये कैसा है कुछ फाल्स लोग भी मिला मुझे वो भी समझाओ ऐसे फाल्स है तो ऐसा रहता है उनका गलती उन्होंने जीने तो कुछ भी मुझे फाल्स भी समझ में आया ट्रूथ भी समझ में आया। तब मुझे साई बाबा को मैं चरण पकड़ के मैं दुनिया में पहचानना मुश्किल हो रहे तुम ज्ञान दे दो मुझे पहले बोलते हो मुझे ज्ञान मिलते रहा मिलने लगा मैं फिजिकली मुझे नहीं मालूम उनके बारे साई बाबा से लेकिन ही बिकेम ही मैनिफेस्टेड फॉर मी मैं ये हूं मैं आ गया हूं ऐसा बहुत बार मुझे दर्शन फिजिकल फॉर्म में मुझे मिला है बात किया है। यस आई एम वेरी लकी फॉर्चुनेट ये सब पूर्वजनों का हो सकता है मैं साधना कुछ भी नहीं किया मैं भक्ति भक्ति मैं शरणागति गलतियों को समझते मेरा गलती ऐसा किया कर रहा हूं मुझसे आज गलती हो गया मैं दोबारा नहीं करना चाहिए मुझे ऐसा मैं खुद को खुद के अंदर प्रायश्चित भी पश्चाताप भी मैं बढ़ाना शुरू किया। दैट इज राइट वे ऑफ बिकमिंग डिसाइपल सच शिष्य बनने के लिए पहले खुद को पहचानो खुद के अंदर कैसे किस तरह का चीजें चल रही ये मैं पहचान सका ये भी भगवान का गुरु का कृपा है। वो खुद को पहचानने के बाद दूसरों को पहचानना आसान हो गया ये स्थिति चाहिए सदगुरुओं का स्थिति ऐसा रहता है इसलिए साई को पहचानना मुश्किल है ना एक आदमी सांप काटा है उनको वो बाबा उनका सदगुरु वही है उन्होंने ही उनके लिए भगवान है किस कहां जाएगा भाई डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा कुछ भी नहीं जाऊंगा बोल के उन्होंने तड़पते तड़पते ऐसे ऐसे करते 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 वो आ गया द्वारका माई पास आ गया। लोग बोल रहे ये पागल है क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए सांप काटा है उनको सो वो पॉइजन वो विष चढ़ रहे अंदर चढ़ रहे धीरे धीरे चढ़ रहे चढ़ने लगे लेकिन ये बोलते मेरा साई मुझे बचाएगा मेरा साई भगवान है मरे तो मरे साई का चरण में मरूंगा मेरा सदगुरु के चरण में मरूंगा बोल के उन्हें तड़पते तड़पते रोते रोते आने लगा बाबा दूर से देखे है जाओ क्यों है चढ़ रहे द्वारका माई के ऊपर मत आना सीढ़ियों के मत आना ऊपर मत चढ़ना बोल के गालियां देते रहा। ये बाजू लोग बोल रहे अच्छा हुआ इनको गुरु गुरु बोला क्या करेगा उन्हों डॉक्टर के पास जाओ बोले तो मेरा गुरु मानेगा करेगा गुरु करेगा बोलते लेकिन ये भी कुछ भी करो तुम गुस्सा करो मारो मत आओ बोले तुम मैं इस स्थिति में तुम ही मेरा भगवान है तुम ही मेरा अल्टीमेट है तुमसे बढ़कर मैं मरूंगा बोल के उन्होंने ऐसे ऐसे चढ़ते द्वारका मैं सीढ़ी एक एक चढ़ के साई का चरण में आ गया तुरंत साई बाबा गले में ले लिया उनको ये कुछ तो समझाया उनका उनका ट्रीटमेंट सदगुरुओं का ट्रीटमेंट साइलेंट इनडायरेक्ट ऐसा रहता है इनडायरेक्ट रहता है तो उन्होंने गले में ले लिया सभी को आज अरे अभी अभी गालियां दिया अभी गले में ले रहे क्या ये क्या चल रहे यहां तब ले लिया इन्होंने रोते रोते साई का चरण पकड़ के ऐसे लगेगा थोड़ी देर के बाद अच्छा ओके उनको दर्द कम हो गया। बाद में देखे तो बाबा तुम अभी गाली क्यों दिया मैं आते तो ये ऐसा क्यों मुझे बोले तो तुमको कौन गाली दिया तुम वो विष को नीचे उतरो बोला मैं तुमको मत चढ़ो बोला तुमको क्यों करता हूँ तुम मेरा बेटा है ना मेरा है ना अपना है ना मैं नहीं उसको बोला वो अभी देखो उतर गए देखो अभी कुछ है क्या नहीं बाबा अच्छा हो गया वो ये सभी को सबक सिखाया उन्होंने डायरेक्टली। दिस इज हाउ सतगुरु का लीला पहचानना मुश्किल होता है
सदगुरु को हम गालियां देते, सदगुरु ऐसा क्यों किया, सदगुरु ये क्यों कह रहे, सदगुरु ऐसा माला क्यों पकड़ना पहनना, सदगुरु इतना दाढ़ी पहनना है क्या, सदगुरु वो औरत के साथ ऐसे बात कर रहे, सदगुरु ये आदमी के साथ ऐसा कर रहे, पैसा ले रहे, तुम कौन होता है, उनका जजमेंट अलग रहता है। कर्म निकालने के लिए एक एक के साथ एक एक तरह बात करना, काम करना, ये इंडिविजुअल सदगुरु का इंडिविजुअल व्यवहार है, मास व्यवहार नहीं, ग्रुप व्यवहार नहीं, सदगुरु फक्त इंडिविजुअल काम करता है, वन टू वन, यू नो, वन टू वन एक एक का आत्मा तक पहुंचता है। तुमको समझ में नहीं आता, तुम आत्मा वाले नहीं है ना, इसलिए उन्होंने एक एक को डील करते, एक एक काम वासना लेकर तो उनके साथ काम के बारे में बोलना पड़ता है, काम को बढ़ाना पड़ता है, कभी कभी बढ़ाना का मतलब अंदर से ऊपर लाने का, उनके अंदर छुपा हुआ है वो द, 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 वो तकलीफ दे रहे, बहुत ये कर रहे, उन खुद को दबा रहे, इसलिए उन्होंने क्या करते है उसी के बारे में उसी के ऊपर पूरा चर्चा करके 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 उनके अंदर जो है वो निकाल देते हैं, वो आता ना चर्चा में बाहर आ जाता है, चर्चा में बहुत कुछ हर एक चीज कुछ समझना है बोले तो चर्चा करो, वही सत्संग। इसलिए एक एक व्यक्ति के साथ उन्होंने डीपली, डॉक्टर देखो, डॉक्टर एक नॉर्मल तुमको बीमार है तो एक टैबलेट देता है, तुम थोड़ा डीप बीमार है तो एक इंजेक्शन देता है, और डीप है तो जब तुमको उनको टेस्ट करना पड़ता है, अंदर ले जाके वो प्राइवेसी में सुला के बेड के ऊपर टेस्ट करना पड़ता है, इधर 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 टेस्ट करता है, औरत हो या कोई भी डॉक्टर के लिए वो एक पेशेंट बस, लेकिन देखने बोले बाबा जी देखो डॉक्टर देखो कहाँ हाथ रखा है, यहाँ हाथ रखा है, बोले तो कैसे करेंगे, तो उनको हम भगवान मानना पड़ता है डॉक्टर को, तो उन्होंने कुछ तो करके बीमारी को पकड़ के, अगर चाहिए तो ऑपरेशन करना है क्या, ये करना है क्या, वो फाइनलाइज करेगा विदाउट टेस्टिंग, हाउ इट कैन बी। ऐसा जैसे हम डॉक्टर को मान रहे, हस्बैंड बाहर बैठते है औरत अंदर जाता है, मानना पड़ता है, वो बाहर आके दोनों को समझाता है, अगर कुछ है तो जेंट को भी ऐसा करना पड़ता है, हर एक चीज बीमारी टोटल बॉडी में क्या है, ऐसे सेम वे सदगुरु भी तुम्हारा जीवन में तुम्हारा विषय वासना के अंदर जाना चाहिए, जाना पड़ता है डीपली, अंदर अंदर जाके तुम्हारे अंदर कुछ ये करके तुम्हारे अंदर ये ब्लॉकेज है, अभी देखे तो चक्र की तरफ मूलाधार चक्र में कुछ गुण रहता है, कुछ ये रहता है स्थिति, स्वाधिष्ठान में टोटल अपना सेक्सुअल एंड दिस क्या है उसको कोर लेवल एनर्जीज रूट लेवल एनर्जीज स्वादिष्टान से शुरू होता है, मूलाधार से ऊपर आने के बाद यहाँ अपना पूरा वाइटालिटी वाइटल एनर्जीज पूरा यहाँ तुमको ब्लॉकेज आता है, कोई काम में कोई है तो यहाँ कुछ अंदर पजलिंग आ रहे ये आ रहे बोले तो इन मणिपुर चक्र के पास अग्नि तत्व रहता है, वो इम्बेलेंस है तो आदमी ये हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस निकल जाता है, ऐसा चीजें तुम्हारे अंदर जा रहे बोले तो चक्र के तरफ से या नहीं दूसरा तरफ से वो मंत्र योग भी करके कुछ तो तुमको स्कैन करता है सदगुरु, सदगुरु का वे ऑफ टेस्टिंग वे ऑफ ट्रीटिंग नोबडी कैन अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल होता है समझने में, इसलिए सदगुरु को जज नहीं करना, करने की कोशिश मत करो कभी भी, कोई भी जज सदगुरु या डोंट जज डोंट क्रिटिसाइज, ये प्रिंसिपल्स बराबर रखना, डोंट जज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड डोंट जज। आजकल ऐसा हो गया मेरे जीवन में कितने लोग आए कितने लोग चले गए, बाबा जी ऐसा है बाबा जी ऐसा गलती है, ये गलती कर रहे ये गलती कर, तुम मेरा गलती पकड़ने के लिए आया तुम्हारे गलती को सुधारने के लिए आया, अगर तुमको अच्छा नहीं तो नमस्कार करके जाओ साइलेंटली, इवन नॉट ओनली विथ मी किसी के बारे में तुम मत बढ़ाओ, भोगना पड़ता है, नेगेटिव मत बढ़ाओ, नेगेटिव मत देखो, नेगेटिव का फ्लेवर दे रहे बोले तो हमारे अंदर नेगेटिव है तो तुमको वहां नेगेटिव दिखता है, तुम सही है तो वहां क्यों दिखेगा, वो सब अच्छा होता ना, हर एक चीज अच्छा होता है, पहले तुम्हारे अंदर वो बना के लाया आया है, इसलिए आते आते वो देखता है, तुम दूसरा आदमी अच्छा आदमी आता है नहीं नहीं मुझे कितना आंखों में कितना शक्ति है वो कितना लाइट है बहुत अच्छा कांति है, ऐसा एक बात है ये बोलते हैं बाबा जी ऐसा क्यों करे उदाड़ी इधर बाबा जी ऐसे बात कर रहे हाथ क्यों ऐसे डाल रहे, अरे प्रेम का भाव को नहीं समझने वालों को माँ बेटा का और पिताजी और बेटी का प्रेम में
तुम दूर से देखे वो औरत को कुछ कुछ तो कर रहे, बोले तो वो बेटी है, तुमको समझ में नहीं आया। देखो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रहता है हर एक चीज। सदगुरुओं का लीला, सदगुरुओं का ये चरिया, उनका बात, उनका हर एक एनर्जी वो समझना मुश्किल होता है, लेकिन हो जाएगा, होता है, मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो थोड़ा तुम्हारे अंदर ये स्थिति बदल 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 दी है तो अच्छा, स्थिति बनाए तो तुम्हारे अंदर ये भी बन जाएगा, नहीं तो दत्तात्रेय का लीला वही है। वो इंद्र ढूंढने के लिए कौन है दत्तात्रेय, बोलते पीते रहा मैं, मस्त कर रहे पीते पीते, अरे ऐसा वाला कैसा होता है, नहीं 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 बोल के चले गया दूसरा जगह, तो औरतों को बिठा के तो वो भी मस्त कर रहे, किस कर रहे, कुछ तो कर रहे लीला, ये भी देख के हाँ ऐसा वाला कैसा होता है, ऐसा ऐसा बहुत। तो ये सदगुरु इसलिए छुपा के रहता है, दिखाता है एक और अंदर दूसरा, ऊपर ऊपर वो लोग पूरा खुल के नहीं रहेगा। सही शिष्य मिले तो छप तब खुलता है, तब तक शिष्य के अनुसार व्यवहार करते, शिष्य के अनुसार व्यवहार, दे विल बिहेव अकॉर्डिंग टू दी डिसाइपल, डिसाइपल उनका माया है तो ये लोग ये उन्होंने भी माया में बात कर रहते, क्योंकि उन्होंने पूर्ण स्वरूप, पूर्ण ज्ञान, आत्मज्ञान उनके पास। ये वर्ल्डली बुक पकड़ के बोलने वाला गुरु लगता है, तुम बोला ना फॉल्स गुरु, वो लोग पढ़ते कुछ तो वो पढ़ के वेश बदल देता है, बड़ा माला लगाता है, दाढ़ी भी बढ़ाता है, बढ़ने वाला है ना तुमको, इसको क्या करना, कष्ट क्या है, इसको फर्टिलाइजर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, अपने बढ़ेगा, इतना बना जाता है, बैठता है, बैठ के ऐसा देता है। फॉल्स गुरु करना बनना भी इजी है, लेकिन इसलिए गुरु का मतलब आउटर सेल्फ नहीं है, एक्सटर्नल स्टेटस नहीं है, इंटरनल स्टेटस है। मुझे भी बोलते आप ऐसा फैंट पहन के क्यों रहते हैं बाबा जी, आप साधु है ना, दत्त सांप्रदाय साधु ऐसा नहीं रहता है, तुम कौन बोल सकते हैं, दत्त सांप्रदाय साधु क्या है, दत्त सांप्रदाय क्या है, दत्त सांप्रदाय के साधु क्या है, तुम पहले वो समझो। हमारे आज का समय में, ये मॉडर्न टाइम में, आज का समय में हमारा सुविधा के लिए, हमारे फिजिकल अनुकूलता के लिए हम कुछ भी कभी कभी पहनते, छोड़ते, निकालते, नंगा भी रहते, तुमके क्या मालूम, हम कौपिन में रहते। नर्मदा परिक्रमा में मैं करते करते एक जगह में वो याद नहीं आ रहा उनका नाम, आश्रम गए और नीचे नर्मदा पर स्नान करने को गया, मैं कौपिन में स्नान करके मेरा डंडा पकड़ के मैं प्रदक्षिणा करते करते आया, करते आए तो एक फैमिली आया, औरतें और जेंट बच्चे ऐसे ऐसे, वो देर समथिंग पोस्टल हो गए थोड़ा सा, वैसे लोग आके वो बोल रहे बाबा जी ऐसे नंगा क्यों कर रहे, ऐसे क्यों करना, आजकल उसका जरूरत है क्या, बोल के चर्चा कर रहे वो लोग, चर्चा कर रहे तो हाँ यस यस, सबके पीछे पब्लिक में ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसा क्यों करते, ऐसा बोल के उन्होंने भी ये लोग कर रहे। तो मैं सुना हूँ, मैं सुन के बाद में मैं तो ये प्रदक्षिणा हो गया, वो मिट्टी में ये कर दिया, करके मिट्टी लगा के नर्मदा माई का क्या है, वो शक्ति वहां सब सब अरे शक्ति, तो मैं करके बाद में कपड़ा मैं बदल के कपड़ा पहन के मैं वो लोग मुझे वहां से चले गए। दोबारा मुझे मिला है वो कुछ ऊपर मिला है, वहां चाय का कुछ तो है तो स्नैक्स वो लोग खाते भी मिला, मैं भी जाके वहां खाया, बैठ गया, मैं सीधा पूछा अम्मा कैसे कहाँ से आए, हाँ पापा जी बोलने लगी वो, अरे की क्या है, मैं अभी तो कपड़ा बोला बच्चा पहने हूं। तो मैं सोचा आपको गुस्सा है क्या, क्यों क्यों ऐसा गुस्सा रहे, अम्मा भक्ति है ना भाई, आश्रम को आए नर्मदा माई के पास आके आप थोड़े तो कुछ तो ये किया, तो आप क्यों गुस्सा, पापा जी मैं ये पूछूं, बोलकर जेंट पूछा है मुझे आदमी, आप ऐसा क्यों करना, सभी औरतें आ रहे जा रहे बोले तो, तब मैं बोला देखो आपको समझ में नहीं आते, नहीं समझे तो समझो, हर एक का अपना अपना साधना रहता है, आप लोग कुछ ऐसा अलग विकार पकड़ के आए तो मुझ में विकार दिखता है, मैं मेरा नमस्कार कर रहा हूँ, सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, नर्मदा माई के बारे में पहले समझो, यहाँ आके क्या करना, एक दिन होता है तुम भी दिगंबर बनना पड़ता है, एक इस जन्म में नहीं तो दूसरा जन्म में, तीसरा जन्म में, वो सच को समझना बोले तो ये स्थिति। मैं भी आपका जैसा मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं एमकॉम पढ़ा हूँ, मैं टाइप शॉर्टहैंड किया हूँ, मैं नौकरी किया हूँ, मैं बहुत करके आया हूँ, आई नो हाउ टू वेयर द ड्रेस, आई नो इंसर्टिंग, आई नो आई गॉट माई एवरीथिंग, ऐसा मत समझो, लेकिन एक साधना होता है, तुम ये देखा बाहर देखा, मेरे अंदर देखना शुरू करो आगे। बेटी तुमको बेटी मान के बोल रहा हूँ, तुम्हारा पिताजी ऐसा साधना में है तो तुम ऐसा हेट करते है क्या, तुम गलत समझते है क्या,
पर सीखो बेटे, अभी तुमको नहीं समझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन होता है कोई ना कोई आपका घर आके सिखाता है, जरूर आता है, ये नर्मदा माई आती, ऐसा ऐसा मैं बोल के माफ करना, कुछ गलत बोले तो नहीं नहीं बाबा जी माफ कर दो, बोल को जेंट लेडी उतना जेंट आके मुझे दक्षिणा दिया, नमस्कार किया, ऐसे समझने में समझने के ऊपर है। हाँ, तो बाहरी बाहरी देखे तो तुमको धोखा भी खा सकते, तो कुछ कुछ मिस भी हो सकता है बाहर देखे तो। बाहर देखे बहुत बढ़िया दाढ़ी बड़ी माला अच्छा अच्छा कर रहे, चमत्कार कर रहे, एक मिट्टी को ऐसा बना रहे, इसको ये कर रहे, बोले तो तुम धोखा खाएगा। वो नहीं, आत्मज्ञान देने वाला सदगुरु, आत्मज्ञान तुम्हारा खुद का आत्मज्ञान, तुम्हारा आत्मा तक तुमको ले जाके तुम्हारा खुद का ज्ञान देने वाला। अज्ञान अंधकार को निकाल दिए तो ज्ञान अपने ऑलरेडी यू आर दैट तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुमको तुम ऊपर ऊपर बहुत ये हो गया ना, इसलिए वो सब निकाल देता है। ऊपर का सभी दिन निकाल दे तो तुम्हारा असली तत्व अंदर का तत्व बाहर आएगा। ऐसा दर्शन देने वाला, ज्ञान देने वाला, आत्म साक्षात्कार देने वाला ये सभी सदगुरु हो सकते हैं। सदगुरु का मतलब वही है। साई बाबा भी सिंपल बहुत क्या करता है, उन्होंने चिल्म पीता था, ऐसे लोग भी मिसअंडरस्टैंड किया। आज बोल रहे दत्ता अवतार, गणपति अवतार, ये अवतार वो अवतार आज बोल रहे। उस समय में पत्थर लेके मारा उनको, गांव से भगाने की कोशिश किया, पहचाने में देखो फर्क। आज लोग भी ये लोग नमस्कार कर रहे, बोले तो ये लोग इच्छा पूरा करने के लिए, डिजायर्स के वजह से, भय के वजह से कुछ तो ये पाने के लिए कर रहे। सही तत्व को समझो, व्हाट इज साई, व्हाट इज रियल साई, ट्रू साई, इनसाइड क्या है। सदगुरुओं को भी ऐसा ऊपर ऊपर नाम लेके, वेदानंद, कृष्णानंद, देवानंद, ये सब ऊपर हमारे गुरु परंपरा का है, ये वेश हमारे गुरु परंपरा में हमारे गुरु दिया, लेकिन हमारे अंदर एक सच्चाई रहता है, एक प्रेम रहता है, वो भाव को समझे तो तुम्हारे अंदर भी कुछ होता है। मैं ऐसे ऐसे मेरा गुरु के चरण में बैठ के विटलानंद सरस्वती महाराज मिलने के बाद, साई की वजह से, दत्तात्रेय की वजह से वो मिला मुझे फिजिकल फॉर्म में, उनको चरण में बैठ गया हूँ, शरणागति से मैं चलने लगा, वो मुझे हिमालय तक लेके आया, भेजा, उन्होंने आया तो आशीर्वाद के तरफ से, दौरे दौरे मुझे समझाते मुझे यहाँ तक लेके आए, मैं हिमालय में बैठ रहा हूँ आजकल, समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, खुद को समझ रहा हूँ। पहले ऐसा एक गुरु को पहले ऑब्जर्व करना, अंडरस्टैंड करना, बाद में रियलाइज करना उनके अंदर क्या है, स्थिति क्या है, स्थिति तक पहुंचो। तुम्हारा स्थिति की बदले तो उनका स्थिति मालूम होता है। तुम्हारा स्थिति में पूरा कचरा है, तुम सिर्फ लौकिक ज्ञान है, काम क्रोध मोह है, लालच है, पैसा पैसा पैसा, मेरा मेरा मेरा, मैं, ये पकड़ के तुम रहे तो सदगुरु कैसे समझ में आता है। तो इसलिए पहले यू कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म दैट इन्फॉर्मेशन इन टू एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग, देन यू गो एंड सर्च राइट वे प्रॉपरली, तब होता है गुरु का दर्शन। तब मालूम होता है मैं कहाँ ढूंढू, पहले होता है कहाँ ढूंढू, कौन है कहाँ रहता है, लेकिन ये तुम्हारे अंदर ये स्थिति आने के बाद तुम्हारा सामने रहता है, तुम्हारे नजदीक में, इधर ही एक नजदीक में एक घर में रहता है, नहीं तो एक जंगल में रहता है। इन्फॉर्मेशन आता है तुमको, अगर तुम्हारे अंदर सच्चा ये भाव आए तो जरूर वो आके करेगा। ऐसा होता है सदगुरु को पहचानने में, पहले सच्चिष्य आए तो सदगुरु मिलता है, सद्भावना सद्भक्ति आए तो भगवान मिलता है। ओके, दैट वे we have to develop some qualities in us, then only we can recognize the qualities in sadguru or any mahatma or avadhut ya koi bhi. Himalaya yogi ko dekhe to bahut simple rehta hai, wo kapda bhi nahi rehta, kabhi kabhi ye ped ke niche aise baith ke rehta hai. Don't think that they don't have anything, they can't help us. Agar jaake tum shraddha se unke paas baitho, kuch time de do samajhne ke liye, क्वेश्चन करो, पूछो, कुछ सेवा करो, तब तुमको मालूम होता है उनका इनर टोटालिटी, इनर रियलिटी। ऐसा हम कोशिश करने का, ऐसा साईनाथ महाराज की जय, दत्त भगवान की जय, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, थैंक यू।